इस तरह खड़े रहने से अच्छा है कि हम कुछ करें। मगर ऐसी हालत में क्या कर सकते हैं हम? मैं काम करता हूँ, मैं इन सारे टेलीफोन्स के तार काट देता हूँ। यही ठीक रहेगा, इसे वो फोन भी नहीं कर सकेगा। मैं यहाँ नजर रखती हूँ, तू जल्दी से वो तार काट ले। बेटा जल्दी कर, कोई आ जाएगा, किसी ने देख लिया ना तो हंगामा खड़ा कर देगा। जी सर। डॉक्टर, क्या ये वही हैं जिन पर हमला हुआ था? सिर में चार चार गहरी चोटें सर, गरिमत है कि बच गई, नहीं तो इनकी हालत तो बहुत खराब है सर। इनके कोई रिश्तेदार वगैरह आए क्या? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया सर। क्या लगता है आपको, कब होश में आएंगी ये? सर सर लगता है कि इन्हें होश आ रहा है सर। अब आप कैसा फील कर रही हैं आंटी? बेटा अभिजीत बेटा, क्या तुम जानते हो उन्हें? नहीं सर, मैं तो पहली बार देख रहा हूं ना। जिस तरह से तुम्हें पुकार रही है, ऐसे लगता है कि ये तुम्हें पहले से जानती है। पता नहीं सर, मुझे तो कुछ याद आ नहीं रहा है, मैंने इन्हें कहाँ देखा है। देखो अभिजीत, हो सकता है ये तुम्हारी याद का हिस्सा हो जो तुम भूल चुके हो, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। नहीं सर। अभिजीत बेटा, देखो अभिजीत, वो तुम्हें अपना बेटा मानती है, तुम भी उसे अपनी माँ समझ के उसके साथ थोड़ी बातें करो, पूछो, देखो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या। ये सब कैसे हुआ, किसने मारा आपको? उसकी जान को खतरा है, उसे बचा लो। किसकी किसकी जान खतरे में? वो लोग उसे मार देंगे, उसे बचा लो बेटा। किसको मार देंगे? किसको? सर प्लीज, ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए सर, उनके सर में दर्द शुरू हो चुका है, प्लीज। बच्चा, अभिजीत मेरे बेटे हैं। अभिजीत, आप कौन हैं? मुझे डर लग रहा है। अभिजीत, निकल, इनकी सारी चीजें फोरेंसिक लैब में भेज दो। डॉक्टर साहब,
जहां पर ये आपको मिली वहां पर और भी कोई था? देखा आपने किसी को वहां पर? नहीं सर, वहां पे कोई नहीं था, ये अकेली थी वहां पर। आप हमें वो जगह दिखाइए। ओके सर। मुझे छोड़ के मत जा। अभिजीत, मुझे लगता है तुम इन्हें अपने घर ले जाओ, यहां पर शायद इनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं उस तरफ से आ रहा था, वो औरत यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी। सिर्फ इतना थोड़ा सा खून? उस औरत के सिर पर तो 3-4 चोटों के निशान है। हाँ सर, सर किस्मत की अच्छी थी तो बच गई सर। सर औरत को तो काफी चोट लगी थी, तो यहाँ पे और खून होना चाहिए था। इसका एक ही मतलब है सचिन, कि उस औरत को मारा कहीं और लाकर डाल दिया यहाँ पर। और सर, हमला करने वाले को लगा होगा कि वो औरत मर चुकी है। हाँ, एक काम करो, आसपास अच्छी तरह से ढूंढो, देखो जगह मिलती है कि जहां पर उस औरत पे हमला हुआ होगा। सर ये पर्स मिला है सर, शायद उसी औरत का होगा। क्या है पर्स? सर ये कुछ पैसे हैं और ये घड़ी सर। घड़ी? कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह? नहीं सर। ओ, इस घड़ी के पीछे ये जो निशान बना है वो ज्यादातर किसी खास मौके पर ही बनाया जाता है, या फिर किसी ने स्पेशल ऑर्डर दी हो तो। फिर तो सर इस घड़ी की कंपनी से पूछताछ करेंगे तो पता चल जाएगा ये घड़ी किसकी है। करो पूछताछ, लगाओ पता। अभिजीत, अब तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, मगर कुछ याद नहीं है। कौन है, कहां से आई हैं, किसने मारा, कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, इनके कपड़ों पे जो खून मिला था उसे डॉक्टर सालोंके ने चेक कर लिया है, उसमें 2 अलग अलग तरह के खून है। क्या 2 तरह का खून है? एक तो इन्हीं का है, दूसरा न जाने किसका है। सर मतलब इनके अलावा किसी और पे भी हमला हुआ है वहाँ पे? मतलब किसी और की जान भी खतरे में है, या फिर उसे मार दिया गया है। अभिजीत, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ बता दे। माँ, एक साल भर से घर साफ नहीं हुआ है, कितनी धूल जमा हो गई है। आप क्या कर रही हैं? मैं साफ कर दूंगा ना धूल, क्यों परेशान हो रही हैं? जल्दी से बीबी लेकर आ, वो आएगी ना तो पूरा घर साफ रखेगी। वो तो ठीक है, पर आप ये क्या करें, आप आराम कीजिए, आप बैठे उधर। अरे वही तो करती हो तू, कहां मुझे कुछ करने देता है। घर में वो टेबल साफ करने का स्प्रे है? वो स्प्रे तो नहीं है। एक काम करना, जल्दी से वो लोकेश के दुकान पर जाकर तू लेकर आ, जा। लोकेश? लोकेश? ये लोकेश कौन है? अरे वही जिसके यहाँ से हमारे घर का पूरा सामान आता है, वही लोकेश। अच्छा, वो लोकेश। ओके,
जिसके यहाँ से घर का सामान आता है, या अगर इस लोकेश की दुकान में पता चल जाए तो फिर इनके बारे में भी पता चल सकता है। सर, इंटरनेट से पता चल जाएगा कि आसपास के एरिया में लोकेश नाम की दुकान कहाँ पे है। ठीक है, जल्दी से चेक करो। जी, आप कह रहे थे कि किसी और की जान को भी खतरा है, कौन है? जान खतरे में? किसकी जान खतरे में? मुझे कुछ याद नहीं है। जिसने आप पे हमला किया, आपको उसके बारे में कुछ याद नहीं है? नहीं, मुझे उस आदमी के बारे में कुछ मत पूछो, मुझे डर लगता है। सर, इस तरह की घड़ियां तो हमारी ही कंपनी बनाती है। ये जो लोगो बना हुआ है घड़ी के पीछे, ये आपकी सभी घड़ियों पे होता है? सर, ये लोगो सिर्फ स्पेशल घड़ियों के लिए ही बनाया गया था। किसके लिए बनाई थी आपने ये घड़ियां और कब? सर, अभी पिछले साल ही ये कंपनी के लिए हमने 100 घड़ियां बनवाई थी। किस कंपनी ने बनवाई थी ये 100 घड़ी? द शॉपिंग सेंटर। जरा इसका एड्रेस दीजिए। जी सर। ये लीजिए सर। लेकिन इस कंपनी में जाओ और जिन जिन लोगों को ये घड़ियां गिफ्ट में दी गई हैं, उनकी लिस्ट ब्यूरो में लेके आ। आई, आई। बेटा, तुम यहाँ काम करते हो? जी हाँ। पर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? आप घर में अकेली नहीं रह सकती थी ना, इसलिए। बैठ, मुझे यहाँ थोड़ा सा काम है। हाँ। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा हम लोग घर चलेंगे। ठीक है। गन की फोटो दीवार पर क्यों लगी है यहाँ पर? तुम पुलिस में काम करते हो? आप गन्स के बारे में जानती हैं? हाँ, फिल्मों में मैंने बहुत बार देखी है ऐसी गन। ऐसा लगता है इनकी याददाश्त वापस आ रही है सर। हाँ, हो सकता है। सर, ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें वो घड़ी गिफ्ट में दी गई थी। अभिजीत, इनमें ज्यादातर तो औरतें हैं जिन्हें वो घड़ी गिफ्ट मिली थी। एक काम करो, ये सारे नाम इन माजी को पढ़ के सुनाओ, देखो किसी को पहचानती है क्या। माँ, इस पेपर में कुछ नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा। अगर कोई भी नाम आपको जाना पहचाना लगे या ऐसा लगे कि ये पहले कभी सुना है तो आप बताइएगा। टीना? नहीं। काया? नहीं। कविता? नहीं। जानवी? नहीं। मालविका? मालविका? हाँ, मालविका। मालविका, ये तो मेरा नाम है, पर तुम मेरा नाम बार बार क्यों ले रहे हो? एक मिनट सर। सर, ये मालविका के नाम के आगे जगह का भी नाम लिखा हुआ है, कमलानगर। कमलानगर? अभिजीत, एक काम करते हैं, इस कमलानगर में पता लगाते हैं लोकेश की दुकान कहां पर है। उस दुकान के आसपास ही इस माजी का घर होगा। एक्सक्यूज मी, जरा ये फोटो देखिए, इन्हें पहचानते हैं आप? ये आसपास इसी एरिया में कहीं रहती है। आप लोग कौन है? CID। इन्हें पहचानते हैं आप? ये तो मालविका जी है, क्या हुआ इन्हें? इन्हें किसी ने मारने की कोशिश की है। कहाँ रहती हैं ये? साहब, सामने वाली गली में चले जाइए, वहाँ श्रद्धा एंक्लेव है, उसी में रहती। थैंक यू सर। मालविका जी कल से गायब है, पर उनके परिवार वाले उनको ढूंढ नहीं रहे। कोशिश तो कर ही रहे होंगे, क्या पता अभी भी ढूंढ रहे हैं। आप लोग कौन है? अरे अभिजीत बेटा, तुम यहाँ अचानक? आप पहचानते हैं मुझे? आओ, अंदर आओ, मजाक बंद करो।
तुम्हारी पुरानी आदत है। ये, आपने इनकी बात का जवाब नहीं दिया, आप कैसे जानते हैं? भाई बहुत दिनों के बाद मिले ना, इसलिए भूल गए होंगे। ये देखो अभिजीत, मेरा बेटा प्रीतम। प्रीतम? प्रीतम मेरा बेटा, तुम्हारा दोस्त। अरे बचपन में तुम साथ साथ खेला करते थे, एक साथ पढ़ते थे। ये लोग मुझे जानते हैं, तभी मालविका जी मुझे बेटा कह रही थी। अभिजीत बेटा। अब माफ करना अंकल, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? पर क्यों बेटा? वो ऐसा है कि अभिजीत सर को सिर में काफी साल पहले चोट लग गई थी, इसलिए बचपन का उन्हें कुछ भी याद नहीं। लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता सर, यहाँ तक कि अपना नाम भी भूल गया हो। तभी मैं कहूँ कि अभिजीत अपने उमेश अंकल को कैसे भूल गए। खैर कोई बात नहीं, कम से कम तुम घर आए तो। मालविका यहाँ होती तो तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाती। पर बेटा वो कल रात से गायब है। आप परेशान मत होइए अंकल, मालविका जी हमारे पास है। आपके पास है? शुक्र है भगवान का कि वो सेफ है। मालविका जी को कोई मारना चाहता था। हाँ? नहीं आप घबराइए मत अंकल, वो अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ, और मेरा बेटा प्रीतम वो कहाँ है? आपका बेटा प्रीतम? हाँ वो भी तो मालविका के साथ। सर तो फिर प्रीतम कहाँ गया? उसे भी मालविका जी के साथ ही होना चाहिए था। ओह माय गॉड, अरे पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा। आप परेशान मत होइए अंकल, हम लोग प्रीतम को जल्दी ढूंढ लेंगे। आप ये बताइए ये लोग कहाँ से गायब हुए, कैसे गायब हुए? बेटा कल रात दोनों माँ बेटा शॉपिंग करने गए थे और रात को तकरीबन 10 बजे मालविका ने मुझे फोन किया, कहने लगी कि हम लोग गोल मार्केट में हैं, ऑटो स्ट्राइक है तो हमें लेने आ जाओ। तो आप उन्हें लेने गए थे? हाँ बेटा मैं वहाँ गया था, लेकिन ये दोनों वहाँ नहीं थे। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? नहीं बेटा, इस दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। अंकल आप परेशान मत होइए, हम लोग प्रीतम को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। सचिन, मालविका जी और प्रीतम पे हमला गोल मार्केट में हुआ है। गोल मार्केट जाओ, आसपास छानबीन करो, देखो शायद प्रीतम वहीं कहीं हो। दस बजे तक तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं यहाँ पे। सर ये दुकान खुली है सर, शायद इन्होंने कुछ देखा हो। दुकान आज खुली है तो शायद कल भी खुली हुई होगी, पूछते हैं इससे। अरे सुनिए भाई, जरा एक फोटो देखिए। कल रात आपने इस औरत और इस आदमी को यहाँ आसपास देखा ना? हाँ देखा था सर, कल रात ये यहीं पे खड़े थे। जब आप दुकान बंद कर रहे थे कल, तब ये लोग यहीं पर थे? हाँ सर, तभी दोनों फोन बूथ के पास ही खड़े हुए थे, शायद शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। थैंक यू। इट्स ओके। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ यहाँ टेलीफोन बूथ के आसपास ही हुआ है। सर इन पैसे मांगने वाले लोगों से पूछ के देखे, ये रात भर यहीं पे रहते। हाँ शायद कुछ देखा हो। अरे सुनो भाई साहब, हेलो सुनो, जरा उठिए उठिए, एक मिनट उठिए उठिए। जरा ये फोटो देखिए, इन दोनों को यहाँ पे देखा था कल रात को आसपास कहीं पे? नहीं साहब हमने तो नहीं देखा है। तो ध्यान से देखिए। नहीं देखा साहब। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई थी कल रात, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ? नहीं साहब कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन कल रात किसी ने टेलीफोन खराब कर दिया था। फोन खराब कर दिया? वो हमारी बेचारी कांति का जरूरी फोन आने वाला था, वो भी बहुत परेशान थी। कौन सा जरूरी फोन आने वाला था, बुलाओ उसे। साहब वो तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के सुबह ही चली गई। क्या कमाल है, पीसीओ पे काम का कॉल आने वाला था इस कांति का, और ये पीसीओ अचानक खराब हो जाता है, और ये कांति बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से गायब हो जाती है।
मामला कुछ और ही है। जहां पे मालविका जी बेहोश पड़ी थी वहां पे फिर से चल के देखते हैं। सर उस दिन भी यहीं पे खून मिला था, ये देखिए सर, आसपास और कहीं पे भी खून नहीं था। खून के अलावा कोई और निशान मिला यहाँ पे? नहीं सर। हाँ मगर विवेक को मालविका जी का पर्स जरूर मिला था सर। एक बार फिर से चेक करते हैं, देखो कहीं घसीट नहीं या हाथापाई के निशान मिलते हैं क्या। यहां से किसी को जंगल में घसीटा गया है सर, घसीटने के निशान। तो इसी तरफ ढूंढते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। हाँ ये देखो खून से सने हुए हाथ का निशान, मतलब जो कुछ हुआ यहीं पे हुआ है। मेरा बेटा प्रीतम। सर ये तो प्रीतम है, मालविका जी का बेटा। अभी बेटा आ गए, क्या हुआ बोलते क्यों नहीं? अच्छा बैठो बैठो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। तुम क्यों मारना चाहते हो मुझे? सवाल जवाब बंद। जान लेना इतना आसान नहीं है। आपके घर में से गोली की आवाज? गोली की आवाज? मैंने तो पहले में कांस्टेबल रखा था और गन मेरे पास है। चंदू, 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 जिंदा है चंदू? ठीक हूं मैं। मालविका, अरे सामान लेना। मुझे भैया दया का नंबर? दया इसके मोबाइल पे क्यों फोन कर रहा है? हाँ यही तो है बारिश। ये क्यों मारना चाहते थे मालविका जी को? अरे लेकिन तुम इसे कैसे जानते हो? अभिजीत जहाँ पे मालविका जी पे हमला हुआ था वहां पे एक पब्लिक टेलीफोन बूथ है, उस टेलीफोन बूथ पे इस बारिश ने काफी बार कॉल किए थे। इसने पीछे में फोन किया? हाँ और इस पीसीओ का कॉल रिकॉर्ड निकाला हमने। पिछले 4 महीने में 20 बार बाहर से कॉल आए और उसमें से 15 कॉल इस बारिश ने किए। वहां से कॉल क्यों किए इसने? ये तो मालूम नहीं अभिजीत, मगर परसों रात 10:15 बजे भी बारिश ने उस पीसीओ पे कॉल किया था। परसों रात को तो मालविका जी और उसका बेटा वहीं पे थे, उमेश जी ने बताया। इस बारिश की हिस्ट्री निकालते हैं। आपके साथ आप डरिए मत, मुझे मुझे सचमुच डर लग रहा है। घर तो खुला पड़ा है, लगता है बोरिस अकेला रहता था।
सर अलमारी खुली पड़ी है सर, और कपड़े भी इधर उधर किए गए हैं। वे एक काम करो, एक हाथ पड़ोसी को लेकर आओ इधर। रेडी सचिन, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। पैसे मिले अंदर से बस। चल ये कैसा पेपर है सर? फ्रेडी मृत्यु प्रमाण पत्र है ये, डेथ सर्टिफिकेट, ध्यानचंद हॉस्पिटल, लगता है स्याही गिर गई इसलिए यहाँ फेंक दिया। सर डेथ सर्टिफिकेट पुलिस के घर पे क्या करा था? वही तो, ध्यानचंद हॉस्पिटल का ब्लैंक डेथ सर्टिफिकेट बोरिस के घर में। किसकी मौत का इंतजाम है ये? सर नमस्ते। नमस्ते। देखिए हम बोरिस के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। मेरा मतलब है बोरिस को कौन कौन मिलने आता था, क्या आपने किसी को देखा है यहाँ आते जाते हुए? वैसे मैंने एक लड़की को कल देखा था आते हुए। कैसी लड़की? मेरा मतलब है कैसे दिखती थी वो लड़की? दूर से देखा था, कुछ याद नहीं आ रहा। फिर भी जरा याद करके देखो। सर हाइट उसकी कोई 5.5 फीट के आसपास थी, और बाल लंबे थे, और हाँ रंग सांवला था। ये हुलिया तो कांति का है, वो जो टेलीफोन बूथ के आसपास पैसे मांगती है। कांति? अच्छा क्या बता सकते हैं ये बोरिस काम क्या करता था? सर एक हॉस्पिटल में वो वार्ड बॉय का काम करता है। ध्यानचंद हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी, 2 मिनट है आपके पास? क्यों? ये डेथ सर्टिफिकेट है। नाम तो हमारे हॉस्पिटल का ही लिखा हुआ है। ये हमें आपके यहाँ का वार्ड बॉय है बोरिस, उसके घर में मिला था। होगा, मुझे क्या मालूम। मालूम नहीं कैसे, तुम्हारे हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट बोरिस के घर में कैसे गया मालूम नहीं तुम्हें? बोरिस के घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये मुझे कैसे मालूम हो सकता है? ठीक से जवाब नहीं दे सकते। मेरा टाइम खराब मत करो। तो इंचार्ज है ना यहाँ का? टेस्ट सर्टिफिकेट बनाना तुम्हारा काम है। हाँ। टेस्ट सर्टिफिकेट्स की फाइल कहाँ है? सर ये किसने बनाई है डेथ सर्टिफिकेट्स? सर बोरिस ने बनाए थे सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। उसने मुझे पैसे दिए थे सर सर्टिफिकेट बनाने के, लेकिन ये लोग इस हॉस्पिटल में नहीं मरे थे सर। तो फिर कहाँ हुई है मौत? मुझे नहीं पता सर, मगर बोरिस चाहता था कि इनके डेथ सर्टिफिकेट इसी हॉस्पिटल से इशू किए जाए। ये हॉस्पिटल क्या बोरिस चलाता था? सर अजीब बात है, ये सब मरने वाले सर एक ही कंपनी में काम करते थे, जेल्टा। ये क्या चक्कर है? मुझे कुछ नहीं पता सर, 3 और सर्टिफिकेट थे, वो लोग भी इसी कंपनी में काम करते थे। तो कहाँ है वो 3 सर्टिफिकेट्स? दिखाओ। सर वो तो बोरिस ने जला दिए। अरेस्ट करो इसे, अरेस्ट करो। चल अभिजीत जेल्टा कंपनी से पूछताछ करो। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। आप इसी सोसाइटी ऑफिस में काम करते हैं? जी हाँ, कोई काम था? हमें जेल्टा कंपनी के बारे में पता करना है, कौन से फ्लोर पे है इसका ऑफिस? जेल्टा कंपनी?
ये क्या चीज है? अरे कंपनी का नाम है जेल्टा कंपनी। भाई साहब इस बिल्डिंग में इस नाम की कोई कंपनी नहीं, आप लोग चाहें तो बोर्ड देख सकते हैं। सर इस बोर्ड पे तो जेल्टा कंपनी का नाम ही नहीं है। 304 बोला था, 304 में डीएम पब्लिशर्स लिखा हुआ। मतलब ये जेल्टा कंपनी नकली है। नकली कंपनी, नकली डेथ सर्टिफिकेट, नकली डेथ सर्टिफिकेट बना के घूमता रहता था ये बोरिस। सर इन डेथ सर्टिफिकेट्स पे जितने भी नाम और पते हैं सब नकली हैं सर। सब नकली हैं? हाँ सर। है कौन ये लोग और कहां पर है, जिंदा है भी या नहीं? पुलिस स्टेशन में चेक किया क्या, इनके गायब होने की कोई रिपोर्ट वगैरह लिखवाई गई हो? हाँ सर पता किया, इन लोगों के गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। टाई दोनों ने एक जैसी पहनी है, कीमती कपड़े हैं, काफी महंगे हैं, लेकिन इन्हें देख के ऐसा लगता नहीं है कि इतने महंगे कपड़े ये लोग खरीद सकते हैं। सर ये सारे के सारे लोग अमीर नहीं है, अमीर दिखाए गए हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे लोग कांति के साथ के लोग हों? वो भी उसी दिन से गायब है जिस दिन मालविका जी पे हमला हुआ था। अभिजीत मुझे तो लगता है कांति और ये लोग, इनका कोई ना कोई संबंध जरूर है। इस गोल मार्केट में जाकर फिर से पूछताछ करनी पड़ेगी। जरा ये जगह देखिए, आप पहचानती जगह को? हाँ उस रात मैं इसी जगह पर थी। तो जरा सोच के बताइए यहाँ पर उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैं अपने बेटे प्रीतम के साथ अपने पति का इंतजार कर रही थी, उसी वक्त इस फोन की घंटी बजी। फिर क्या हुआ? बहुत देर तक फोन बज रहा था तो मैंने फोन उठाया, सामने से एक आदमी की आवाज आ रही थी। क्या बोला उसने? उसने कहा कांति का वक्त अब पूरा हो चुका है, उसे ठिकाने लगा दो, मैं फिर से फोन करूंगा। फिर? मैंने सोचा कि फोन ही खराब कर देते हैं, फिर ना ही फोन बजेगा और ना ही किसी का खून होगा, और उसी वक्त किसी ने हम दोनों पर हमला कर दिया। आपने उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं। ठीक है पूरी, इन्हें घर छोड़ने का इंतजाम करो, आप घर जाइए। जी। आप इन लोगों को पहचानते हैं? हाँ साहब, ये हमारे साथी थे, ये दूसरे देश गए हैं पैसा कमाने, बहुत पैसा कमाने, ये खुद बोले थे हमारे लिए पैसा भेजेंगे साहब। अच्छा ये कांति भी भारगांव जाने वाली थी क्या? हाँ साहब। अच्छा वो आदमी कौन है जो इन लोगों को भारगांव भेज रहा है, आप लोग जानते हैं उसे? वो बोरिस, बोरिस, बोरिस। बोरिस? सर बोरिस तो मर चुका है। हाँ बोरिस के साथ कोई और भी मिला हुआ है। साहब सुमति ने मिलवाया था सबको। कहाँ है सुमति? अभी अभी मैंने उसे टैक्सी स्टैंड पे देखा था, बहुत बहुत जल्दी में थी वो साहब। टैक्सी स्टैंड पे? अरे सुनो भाई साहब, क्या अभी थोड़ी देर पहले एक पैसे मांगने वाली लड़की टैक्सी लेके गई थी? हाँ गई ना साहब, अमित लेके गया उसको। अमित? तुम अमित को जानते हो? हाँ साहब मेरा सगा वाला है वो। अच्छा उसका नंबर है? नंबर तो जरा एक काम करो, अपने मोबाइल से उसे फोन लगाओ। सर मेरे मोबाइल से? अरे तुम्हारा मोबाइल नंबर देखेगा तो वो फट से उठा लेगा और उस लड़की को शक भी नहीं होगा। जी सर। हेलो, बिना कुछ पूछे मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक CID ऑफिसर बोल रहा हूँ, जो लड़की तुम्हारे टैक्सी में बैठी है उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक CID ऑफिसर से बात कर रहे हो। हाँ बोलो भैया। देखो घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, जो लड़की तुम्हारे टैक्सी में बैठी है वो खून करके भागी है और जरा सी गलती तुम्हारी जान ले सकती है। अरे ये तुम फोन पे किससे बात कर रहे? मैडम गाँव से फोन है, भैया से बात कर रहे हैं।
पता है ना, गाड़ी चलाते समय फोन पे बात नहीं करते। हाँ मालूम है, घर से फोन आया है, घर की खैर खबर ले रहे हैं। डरो मत, मुझे ये बताओ तुम उस लड़की को कहाँ पे छोड़ने वाले हो? अरे भैया, हमारी टैक्सी में एक पैसेंजर बैठे हैं, तो हमें उन्हें घोड़ा गोदाम छोड़ना है। हम आपसे बाद में बात करें भैया। तुम घर वाले से बात कर रहे थे या किसी और से? अरे रुक, गाड़ी रुक। फोन काट दिया, ये लो तुम जाओ। वो उसको घोड़ा गोदाम में छोड़ने वाला है। लगते सुमति को पता चल गया कि वो सीआईडी से बात कर रहा था। चलो। फिर तो उसकी जान को खतरा हो सकता है सर। मैं जल्दी घोड़ा गोदाम पहुंचना होगा। ओहो, ऐसा लग रहा है कि जैसा कि शोक सभा में आई। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाओ। अमेरिका जाने के नाम से ना खुशी के मारे मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। तो फिर चिंता क्यों? सोच रही हूँ कि वहाँ जाकर क्या काम करूँ, और तो मुझे तो अंग्रेजी बोलने भी नहीं आती। तुम्हें ऐसी जगह पर ही काम मिलेगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोली जाएगी। जल्दी से एक बहुत अच्छी सी फोटो मुझे दे दो मुस्कुराते हुए। तुम फोटो ही खींचते रहोगे क्या? चलो निकलने की तैयारी करो। क्यों, क्या हुआ? सीआईडी वाले कुत्तों की तरह पीछे पड़े हुए हैं। ये सीआईडी वाले भी ना, तुम जल्दी से इसे निपटाओ और हाथ देर मत करना, जल्दी करो। ठीक है, मैं अपना काम जल्दी से खत्म करता हूँ। सुमति, भगवान तुम्हारा भला जरूर करेगा। हम लोगों की तो दुनिया ही सुधार दी तुमने। देखना, मैं अमरीका जाकर बहुत पैसे कमाऊंगी, एक नई दुनिया बसाऊंगी, और मैं भी ऐसे ही लोगों की मदद करूंगी ताकि कभी किसी को भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्या कर रहे हो? चलो लग जाएगा मुझे। इसलिए तो गर्दन पर रखा हुआ है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पकड़ उसको, छोड़ो मुझे, पकड़। सीआईडी, तुम तो हमें छोड़ के आ गए। बहुत बेइज्जती की हमारी, इसलिए हम खुद मिलने आए। देखो, तुम लोग में से कोई भी आगे मत बढ़ना, नहीं तो एक-एक करके सबको मार दूंगी मैं। तू तो वही है ना? इसका इंश्योरेंस ऑफिसर गोल मार्केट में? हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन सर, मैं कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया सुमति ने किया है। हमारे सामने कांति को मारने वाला था और कह रहा का कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैंने ही खून किए हैं। क्यों किया तुमने ये खून? इंश्योरेंस के पैसे के लिए। और इस काम में सुमति तुम्हारा साथ देने लगी? सभी मांगने वाले लालच में आकर मेरी बात मानने लगे थे। तुम दोनों क्या लालच देते थे उनको? हम लोग उन्हें विदेश ले जाने का लालच देते थे, और विदेश जाने की खुशी में वो लोग इंश्योरेंस पेपर्स पे साइन कर देते थे। और उन बेचारों को ये भी पता नहीं होता था कि जिन पेपर्स पे वो साइन कर रहे हैं वो उनकी मौत का फरमान है। हमने जेल्टा नाम की एक कंपनी भी खोल रखी थी, फॉल्स कंपनी, और वो सारे लोग उसमें काम करते थे। इंश्योरेंस होने के बाद तुम करते क्या थे? इंश्योरेंस हो जाने के बाद हम उन लोगों को मार देते थे। और मौत का सर्टिफिकेट ला के देता था बोरिस, है ना? मगर मालविका जी और उनके बेटे पे हमला क्यों किया? उनका तो कोई इंश्योरेंस भी नहीं था। क्योंकि उन लोगों ने हमारा प्लान सुन लिया था। कैसा प्लान? जिस रात हम लोग कांति को खत्म करने वाले थे, बोरिस ने सुमिति को ये कहने के लिए फोन किया था कि मैं वहां पहुंचकर तुम्हें खबर करूंगा, तैयार रहना। मगर सुमिति की जगह मालविका जी ने फोन उठा लिया और तुम्हारा प्लान उन्हें पता चल गया। और इस बात का पता बोरिस को चल गया था। उसने मुझे
फोन करके बताया था। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये मालूम है ना तुम लोगों को? हाँ, तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया था, इसीलिए उसे फोड़ने के लिए ऊपर वाले ने मालविका जी और उनके बेटे को भेजा, मगर तुमने उन्हें भी मारने की कोशिश की। सात बेगुनाह लोगों का खून किया तुम लोगों ने, तुम लोगों को कहीं भी माफी नहीं मिलेगी, फांसी होगी तुम दोनों को, फांसी। आंटी जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, प्रीतम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभिजीत बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आज मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम मेरी बीवी और मेरा बेटा मेरे साथ तो है। ये क्या कर रहे हैं अंकल जी आप? सीआईडी वाले ना होते तो आज हम भी इस दुनिया में नहीं होते। आपने भी बहुत बहादुरी का काम किया आंटी जी। बस बस बस, आंटी कह के मुझे पराया मत कर, माँ कहना मुझे अच्छा लगेगा, वैसे भी तुम्हारे रूप में मुझे और एक बेटा मिल गया है। बेटा पुरानी याद वापस आए या ना आए, तुम यहाँ जरूर आते जाते रहना। चलो भाई इसी बहाने को चाय वाय हो जाए।